जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित पहली बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मासिक बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा किया गया। बीते चुनाव में मिली हार की समीक्षा के बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की जमीन तैयार करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान बैठक में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, जवाहरलाल मौर्य, जगदीश यादव, शारदा देवी, अवधेश यादव, मनोरंजन यादव, कबीर आलम, मनोज यादव, मिर्जा कदीर बैग, रामजतन यादव, दयानंद विद्रोही, रामनाथ यादव, धर्मराज शर्मा, मैना भाई, कृष्णा कुमार त्रिपाठी, संजय पहलवान, राजू तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, संघर्ष करने की जरूरत है और यशस्वी के वहां धरना देगा, अपराधियों का पर्दाफाश कराना है और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलना जरूरी है। इसलिए हम लोग हार गए, उसका भी कोई सवाल नहीं है। तो अंत बहुत ज्यादा होगा सवाल हुआ 11,82,000 कभी वोट भी नहीं पड़ा था, 9,32,000 पिछली बार वोट पोल हुआ था। तो एक चीज जरूर मानते हैं कि हमारी चूक कहां हुई, और दूसरी चीज ये भी आना चाहिए, आप लोग नाम लेने में परहेज अगर करना चाहें तो लिख करके हमें दे दीजिए कि आपके विधानसभा में समाजवादी पार्टी के किन नेताओं ने पार्टी का साथ नहीं लेकर क्या प्रॉब्लम है तो उसका इलाज उचित नहीं हो पाए, और अगर संगठन की तरफ से कहीं कोई कमी बेसी हुआ है तो उसे भी बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं जिला संगठन आपके कोऑपरेट करने में कहीं कमी किया हो तो उनको बताइए कि यहाँ अगर ऐसे हुआ होता तो और बढ़ा दिए, क्योंकि तुलसीदास ने कहा है चिंतक मेरे राखिए आंगन टूटी सभा है। योजना से घबराने वाले नहीं है, हम आलोचनाओं को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे साथी हैं जो आलोचना करेंगे उन्हें हम और सम्मान से देखेंगे, क्योंकि हम हारे हैं तो कमियां कहीं हैं। अब ये हो सकता है कि वो कमियां हमसे न हुई हो, लेकिन हम दुश्मन के दांव को अगर नहीं परख पाए तो ये कमी तो हुई। अब उस दांव के जवाब में हमारे पास कोई सवाल जवाब था कि नहीं, वो जब आपका सवाल आएगा तो सवाल पर हम जवाब बताएंगे। कानों से हार गए तो वो भी खुल के बताएं कि हम बूथ हार गए, लेकिन ये ना कारण बताएंगे कि वहाँ आएगा और मियाँ नहीं थे। बूथ अगर हारे हैं तो उसको भी बताइए दिल खोल के, और क्योंकि जब दिल खोल के बताएंगे तो कुछ लजाएंगे डराएंगे, और लजाएंगे डराएंगे तो अगली बार आप बूथ हार गए थे आज पिछली बार अपना, तो इसलिए अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में जब आया तो उसके पहले वो हम आराम से जीत लेते थे, क्योंकि हमारे गांव में कॉम्बिनेशन ब्राह्मणों का है और का ठीक ठाक था, हर हमारे पक्ष में हो जाते थे हम जीत लेते थे। हार गया क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं, निया यादव 40 वोट यादव का और 15 वोट निया का था। इसमें चुनाव से संबंधित समीक्षा भी हो रही है और उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जिले में सर्वाधिक रेप की घटनाएं, अपराध की घटनाएं घट रही हैं, तो उसको लेकर के भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो उसके खिलाफ हम लोग रणनीति बना करके सड़क पर आए जी। हाँ, संगठन को और मजबूत करने के लिए कहाँ हमसे चूक हुई है, चुनाव में हम पीछे जो हो गए हैं तो उस चूक को डायग्नोस करके और हम उन कमियों को दूर करेंगे और लगभग 2022 की तैयारी हम अभी से शुरू कर देंगे।
समीक्षा बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हुए हैं? हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं और संगठन के लोगों में चर्चा की जा रही है कि हमसे कहाँ कमियाँ हुई हैं जिससे हम चुनाव में पिछड़ गए।